गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 6 एडजेक्टिव। टुडे वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड। एडजेक्टिव मींस विशेषण, किसी चीज की विशेषता बताना। वर्ड्स विच डिस्क्राइब और क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन प्रोनाउंस वर्ड्स विच डिस्क्राइब और क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, काइंड ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार, एडजेक्टिव कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, देयर आर 7 काइंड ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में वो किसी चीज की क्वालिटी यानी गुण के बारे में बताते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। ऑफ नंबर, जो नाउन और प्रोनाउन की नंबरिंग बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर ब्रदर गॉट फर्स्ट पोजिशन, टू हैंड्स हैव 10 फिंगर्स, दो हाथों में 10 उंगलियां होती हैं, दे हैड नो बुक, उसके पास नंबरिंग में कोई बुक नहीं है, सेवरल वुमेन अटेंडेड द मीटिंग, बहुत सारी वुमेन ने मीटिंग को अटेंड किया। ये इस तरह ये चारों सेंटेंस आपको नंबरिंग बता रहे हैं, यानी नाउन की नंबरिंग, नाउन और प्रोनाउन की। तो नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव यानी संकेत वाचक विशेषण। दीज मैंगोज आर सॉर, जो संकेत करके बताते हैं वो हमारे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे दीज मैंगोज आर सॉर, ये मैंगो बहुत से हैं, लेकिन जो संकेत करके बताया जा रहा है, ये मैंगोज आर सॉर, ये मैंगो खट्टे हैं। दोज लेबर्स आर वर्किंग हार्ड, लेबर वर्क कर रही है, लेकिन वो लेबर वर्क कर रही है। आई लाइक दिस बुक, मुझे ये बुक पसंद है, यानी जो जिस चीज पे हम इशारा करके किसी स्पेशल चीज पर उस चीज का हम प्रेशर करते हैं वो हमारा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच मैन हैड ए कैप, एवरी पर्सन। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, विच बुक डू यू लाइक, आप कौन सी बुक पसंद करते हो। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है इन दिस अबव सेंटेंस, विच बुक डू यू लाइक, हूज बैग इज लाइंग देयर इन द फील्ड, व्हाट काइंड ऑफ स्वीट्स डू यू लाइक, तुम्हें किस तरह की मिठाई पसंद है, तुम्हें कौन सी बुक पसंद है, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक, तुम कितना पानी पी सकते हो। ये सारे सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के हैं। पजेसिव सेंटेंस, एक आया आपका पजेसिव, आई हैव पजेसिव मीन्स जिस चीज में स्वयं अपनी चीज से संबंधित होते हैं वो हमारे पजेसिव सेंटेंस होते हैं। आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, मैंने अपना अम्ब्रेला मैं खो चुका हूँ। द कलर ऑफ हर फ्रॉक इज रेड, उसकी अपनी फ्रॉक का कलर लाल है। वी लव अवर पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को लव करता हूँ, यानी पजेसिव में अपना, जो अपना शब्द होता है वो हमारे पजेसिव वाक्य होते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस फर्स्ट मैं आपको लिखवा दूं, काइंड ऑफ सेंटेंस, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर,
ऑब्जेक्टिव ऑफ नंबर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेसिव EOSS ऑब्जेक्टिव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ नंबर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ मैंने आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पजेसिव एंड इंटरोगेटिव मैंने सारे आपको एडजेक्टिव ऑफ काइंड ऑफ एडजेक्टिव बता दिए हैं। होमवर्क में आपको काइंड ऑफ एडजेक्टिव लर्न भी करने हैं। लर्न काइंड ऑफ एडजेक्टिव ओके।